हेलो गाइस, तो ये आपका अब तक का सबसे बेस्ट वन लाइनर रिवीजन वीडियो होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम 30 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिसमें से 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपकी यस्टरडे क्लास के होंगे, यानी कि कल के होंगे, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो दिसंबर से अभी तक कहीं से भी लिए जा सकते हैं। इनके अलावा 10 स्टैटिक क्वेश्चन होंगे और 10 डेज वाले क्वेश्चन भी हम रिवीजन करेंगे, ताकि धीरे धीरे साथ में ये भी याद होते रहे। हाँ देखो, अगर कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहे हैं ना पहली बार, तो आप ट्राई करें पहले इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, वीडियो को रोक करके आप इनको सॉल्व करें और देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न था, वर्ल्ड बैंक की एमडी और सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा ये भारतीय मूल की है कौन, अंशुला कांत। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाएगा कि ये पहली महिला सीएफओ भी होंगी वर्ल्ड बैंक में। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विंबलडन ओपन, जो कि इस साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन, उसमें महिला एकल का खिताब वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है। तो ये सिमोना हालेप ने जीता है, जो कि रोमानिया की है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इनका पहला विंबलडन खिताब है। और टोटल ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे ना, तो ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है, क्योंकि पिछले साल 2018 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। तो 2018 में फ्रेंच जीता और इस साल 2019 में विंबलडन जीत लिया, तो दूसरा इनका ये ग्रैंड स्लैम हुआ। अच्छा, इन्होंने हराया किसको, तो सेरेना विलियम्स को हराया, जो कि अमेरिकन टेनिस प्लेयर है। अच्छा, ये विंबलडन ओपन जो टूर्नामेंट है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। अच्छा, अगर मैं इससे पहले वाला की बात करूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जनवरी में जैसे कि आपका पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था इस साल का, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और वो महिलाओं सिंगल में किसने जीता था, वुमेन सिंगल में, तो वो जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि है जापान की। पैतरक वितवा को हराया था, जो कि चेक रिपब्लिक से है, याद है ना आपको। और दूसरा वाला अभी अपन ने देखा था फ्रेंच ओपन, जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, एशले बार्टी ने, वर्ल्ड की नंबर वन प्लेयर चल रही है अभी, है ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्होंने किसको हराया था, मार्केटा वोंदरसोवा को, जो कि चेक रिपब्लिक से ही है। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस बेसबॉल लीग में रोबोट अंपायरों की शुरुआत हो चुकी है, तो सही उत्तर है इसका क्या, यूएस बेसबॉल लीग में। तो अगला प्रश्न है, किसे क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, तो क्रिकेट के तीन प्रारूप जैसे कि टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, उसमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है, तो राशिद खान इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कल्चरल प्रोग्राम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। इसमें जो हमारी जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनको स्टोर करा जाएगा। अगला है क्या, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2017-18 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसको दिया गया है, तो चंडीगढ़ इसका सही आंसर होगा, सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। अगला है, किस राज्य सरकार ने बंगला आवास योजना शुरू करने का निर्णय किया है, तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल ने। अगला देखिए क्या है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी हुआ, किसने जारी किया, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका आंसर होगा। अगला है, किस देश ने अपने संविधान में संशोधन किया है, तो उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने किया है। अगला है, कौन सा बैंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, तो फिर आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें ये अपनी सर्विसेज, जो भी इसकी कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, सर्विसेज हैं, वो बेचेगा। अगला है, देखो क्या, कहाँ पे कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र शुरू हुआ है, यानी कि इनक्यूबेशन सेंटर, तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा। अगला है, बारवा क्या, सी कपूर का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था, तो बिलियर्ड्स और स्नूकर से इनका संबंध। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम रिविजन करेंगे। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, कि किस IIT ने अजीत नाम का माइक्रो प्रोसेसर बनाया, तो आंसर होगा IIT बॉम्बे ने। अगला है, सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। अच्छा देखो, तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आप काट ही दो, क्योंकि मैंने कहा ना अभी ये हम पुराने मंथ्स के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो जब ये क्वेश्चन लिया गया था तब TCS इसका आंसर था, तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अभी काट दो, है ना। अगला है क्या, ICC वर्ल्ड कप 2019 में अमूल किसकी मैंने बताया था, किसको मेन स्पॉन्सर कर रही है, तो अफगानिस्तान की टीम को। अगला प्रश्न है क्या, एयर हेल्प की रिपोर्ट आई और उसमें सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको बताया है, तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, कतर का है ये। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट्सएप पेमेंट के लिए कहाँ
केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा लंदन में। और लंदन में याद रखना आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी है। अगला है, किस देश की एयरलाइन पहली जीरो वेस्ट कमर्शियल फ्लाइट बन गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है, कंटास नाम है इसका एयरलाइंस का। अगला है, इंडियन आर्मी ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन के रूप में चुना है? 2019 इसका आंसर होगा। किस देश ने इलेक्ट्रिक हाईवेज का परीक्षण किया? तो जर्मनी ने। और WTO के विकासशील देशों की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला है, फिलिप्स इनोवेशन कैंपस CEO कौन बन गए हैं फिलिप्स इनोवेशन कैंपस के? तो कालवती जीवी इनका नाम है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, RBI के 15वें वित्त आयोग की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये मुंबई में आयोजित की गई थी। अगला है, कौन आर्कटिक परिषद का पुनः पर्यवेक्षक बनेगा? तो आंसर होगा भारत। भारत किसके साथ फिल्म बनाएगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। अगला है, डेजर्ट स्टॉर्म 2019 कहाँ पे शुरू हुआ? ये हुआ था आपके राजस्थान के बीकानेर में। अगला है, ATP पुरुष रैंकिंग में टॉप पे कौन चल रहे हैं? तो ये चल रहे हैं नोवाक जोकोविच। ये है कहाँ से? सर्बिया से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था इन्होंने, याद रखना। अगला है, 36th फेलिक्स स्टीम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? तो ये पोलैंड में हुआ था, पोलैंड के वॉरसो में। अगला देखो क्या है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हमने कब मनाया? तो 8 मई को मनाया अपन ने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अगला है, वीजा ने किसे भारत और साउथ एशिया का मार्क हेड बनाया है? तो सुजाता वी कुमार इसका आंसर होगा। अगला है क्या, पनामा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लॉरेंटिनो नीटो कॉर्टिजो बने हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कोच बोर्ड के सदस्य कंट्रोल बोर्ड के सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने जगजीत पवाड़िया। बढ़ते आगे। अच्छा, तो अब हम स्टेटिक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है कि केवला देव नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में। अगला है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अगला हमारा है, वर्ल्ड अस्थमा डे हमने मनाया 7 मई को। और फिर अगला है, विश्व हास्य दिवस कब मनाया? 5 मई को मनाया। अच्छा, आपको पता है क्या, इंटरनेशनल लेबर डे हमारा वही प्रश्न है, कब मनाया? तो 1 मई को मनाया। और नॉट अबेको डे पूछता तो मई का आखिरी दिन 31 मई। अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया? तो 3 मई को मनाया। इसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको बताई थी, अगर याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगला है, गुजरात का स्थापना वर्ष 1960 में, महाराष्ट्र का भी तभी है। अगला है, RBI के रेपो रेट कितनी अभी हो गई है? 5.75% चल रही है। अगला क्या है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु के मदुरै में है। अगला क्या है, महाशक्ति मरियम्मन मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी तमिलनाडु में है। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पॉर्टेंट डेज में हमारा पहला प्रश्न है, तो ये वाले इम्पॉर्टेंट डेज अभी 2-4 दिन मैंने डाले थे, फिर से इनको रिपीट किया है, तो अभी आपको याद हो जाने चाहिए। और आज आपको नए इम्पॉर्टेंट डेज मिलेंगे बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि अब मैंने काफ़ी सारे रिपीट कर लिए हैं ताकि आपको ये बढ़िया तरीके से याद हो जाए। तो चलो, पहला प्रश्न क्या है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने कब मनाया था? तो 3 मई को मनाया था। और दो इम्पॉर्टेंट डे क्या बता रहा था मैं आपको, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने थे, आपने लिख दिए होंगे। अब मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अभी इंडेक्स आया था, उसमें हमारी रैंक 140 थी और टॉप किया था नॉर्वे ने। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को मिला था, सिरिल अल्मिडा नाम है उनका। अगला है, इंटरनेशनल लेबर डे हमने मनाया 1 मई को, और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी 1 मई ही है, स्थापना हुई थी 1960 में। अगला है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हमने 8 मई को मनाया, जिसकी थीम #love। और अभी हमने देखा था, वर्ल्ड रेड क्रॉस कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे हमने कब मनाया? 21 मई को मनाया है। अगला है, कॉमनवेल्थ डे हमने कब मनाया, राष्ट्रमंडल दिवस? तो 24 मई को। अगला क्या है कि माउंट एवरेस्ट डे हमने कब मनाया? तो 29 मई को मनाया। और वर्ल्ड एंटी टबेको डे बताया था, मई का आखिरी दिन 31 मई। अगला है, वर्ल्ड लीवर डे, तो 19 अप्रैल को मनाया वर्ल्ड लीवर डे। अगला क्या है, वर्ल्ड बुक डे, तो 23 अप्रैल को मनाया वर्ल्ड बुक डे।
और 10वां प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। तो ये था हमारा आज का रिवीजन। अब मैं आपको होमवर्क के 40 क्वेश्चन दे रहा हूँ हमेशा की तरह, आप वीडियो को पॉज करना, उनको सॉल्व करना, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएंगे आराम से, जो तक को नहीं आता हो, जहाँ पे आप अटकते हो, आंसर देख करके आप उनको याद कर लें। कल से फिर हम इन होमवर्क वाले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, तो कोशिश करना मेरे से पहले आप उनका आंसर दे पाओ, खासतौर पर उनका जिन पर आप आज अटके हो। और अगर वीडियो देखो पसंद आता है तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ही सही, इसे शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक ग्रुप पे। तो ये रहे आपके होमवर्क के 40 क्वेश्चन में से पहले 10 प्रश्न, ये रहे अगले 10 प्रश्न। आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर सॉल्व करना, अगर ब्लर आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा लेना। ये रहे अगले 10 प्रश्न और ये रहे अगले 10 प्रश्न। देखो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रैक जी के ट्रिक्स।